दिहाड़ी निशान ईसा खान तो खेरा साहब ने लेकिन अस्सलाम वालेकुम जा रहे ना जल्दी ने हमने इफ्तिताह किया दिहाड़ी थाने सदर का बाकी दी बात करते हैं अंदर जाके तुम दिखाने के अज आरपीओ मुल्तान सुहेल साहब आए ने और इन्होंने इफ्तिताह किया पूरे पंजाब च 737 थाने ने लेकिन कोई भी थाना जिले दिहाड़ी दे पंजाब च थाने सदर वर्गा पूरे सूबे थाना नहीं हैगा इथे जो सर्विसेज दित्तियां जा रही और जो इनकी बिल्डिंग और सारे हालात ने तुम अंदर जाके दिखाने तो की सूरत हाल है सर बहुत शुक्रिया थैंक यू तकरीबन 72 पिंड आंदे ने इस थाने की हदूद और एदा 85 साल पुराना थाना 1939 अंग्रेज ने बनाया सी पुरानी बिल्डिंग परले पासे है नवी बिल्डिंग हुण बनी है 1985 तो 2024 1 जनवरी नूं इहदा इफ्तिताह होया है और इत्थे इस बिल्डिंग 4 मंजिला है थाने सदर का जिहड़ा रकबा है ये तकरीबन 42 कनाल 5.25 किले का है और 5 कनाला यानी 100 मरले के अंदर इहदी बिल्डिंग का हाथ है अलहदा तो भी एक कमरा है अगर कोई औरत अपने बच्चा फीडिंग करा चाहिए अच्छी जी थान इंतजार कर सकता है अंदर जिदा इस्तेमाल करके गया ने आज सुहेल साहब ए खिदमत मरकज है ऐदा दा थाना यूरोप अमरीका दूजे मुल्कां च पाकिस्तानी वास्ते बना ते दिता है लोकां दे पैसा दा बनया है दी लुक आफ्टर और देखभाल भी उन्होंने जिम्मे है अंदर देखो तुसी ए सर्विसेज ने इत्थे जिहड़ियां अवेलेबल ने ए चीजा ने जिदी फीसा ने जिहड़ियां बाकी सर्विसेज ने उहदी फीसा कोई नहीं है करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस जनरल वेरीफिकेशन वहीकल वेरीफिकेशन नाल फीसा लिखियां ने इस तो अलावा जिहड़ियां सर्विसेज दित्तियां जा रही ने पूरे पंजाब च किते इदां दी सर्विस कोई नहीं गी ए सारियां इत्थे मौजूद ने जिहड़ियां तकरीबन 18-19-20 सर्विस है पूरे पंजाब या मुल्क च किसे भी थाने च इदां दीआं सर्विसेज होणी और जो बल्कि किसे ने भी आपदा वो ड्राइविंग दा लाइसेंस बनवाना है लर्नर दा जिहड़ा इशारियां दा टेस्ट हुंदा है टच स्क्रीन है जिहड़ा भी कोई आएगा इन्हें अपना लाइसेंस बनवाना है टच स्क्रीन तो इत्थों ही अपना देगा और उत्थे इधर इधर हर पासे कैमरे लगे हुए ने ताकि करप्शन ना होवे और स्टाफ है जिहड़ा हर वेले इत्थे मौजूद है ना करप्शन दा तसव्वुर है और ना कोई इस तरह दा क्योंकि दोनों पासे कैमरे लगे हुए ने स्क्रीन भी डबल ने जिहड़ी पहली साइड वाली स्क्रीन है वो स्टाफ लई है जरूरी जिहड़ा कोई आंदा है आपदे किसे काम वास्ते ड्राइविंग लर्नर ओरिजिनल भी जिहड़ियां जिहड़े डाक्यूमेंट्स दी जरूरत है नाल इन्हां दे वो भी लिखी हुई ने कि फलानियां फलानियां शामा लैके आओ इधर मिसाक सेंटर है मिनोरिटी अकलीतां दे अगर कोई मामले ने उन्हां वास्ते सैक्शन है ये उन्हां नूं डील करनगे अलहदा तो लेकिन इधर कैफेटेरिया बनाया किसे नूं कोई डाक्यूमेंट मंगवाया या डेट है कुछ इंतजार करना पेगा तो इत्थे चाय पानी और देख लो कैफेटेरिया कॉफी डॉक्टर साहिबा भी और ताकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वास्ते पहले होंदा सी इन्ना बंदा दा भी बन जांदा सी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल ये इधर राइट आंसर बाकी क्या क्या आप इधर ब्लड ग्रुप का होता है और आई साइट फिर चेक करते हैं ठीक है और डिसेबिलिटी और दूसरा उसके अलावा ड्रग एडिक्शन तो नहीं है देन रेफर टू फर्दर है कोई मसला तो देन रेफर टू बीएचयू फर्दर मैसेज राइट देखते ने कोई मजदूर तो नहीं अन्ना तो नहीं कोई नशे का ऐसा का भी तो नहीं कि जो ड्राइविंग करते हैं लोगों की जान ले सारा मेडिकल का भी एक छत के थले इतने आ गया तहफ़ मरकज है और ट्रांसजेंडर औरतों का तशद्दुद या जिन्हों खुसरा कहा जाता और तज़हीर कमी का लफज उन्हों की वेलफेयर वास्ते भी और पुलिस की ASI इन्हों की इतने है वे ड्यूटी ताकि इदा सारे मामला डील कर और 6 और 6 12 काउंटर ने 12 काउंटर से सर्विसेज अवेलेबल ने और ए इंचार्ज ने और देख लो जदीद यूरोप का मॉडर्न तर्ज का थाना है लोगों तोड़े आपके पैसे नाल बनया तोड़े वास्ते है इनू देखभाल भी आप करनी बजाय खराब कर लो इधर जनाब अशरफ साहब ने इन्हां नाल गल करते हैं अस्सलाम वालेकुम हजूरे वाला क्या हाल चाल कैसा चल रहा है और थाने दे हालात है लगता ही नहीं है अगला कल्चर और थाना है अल्हम्दुलिल्लाह जी ये थाना पंजाब का वह थाना है जिथे बिलकुल एक छत है हर चीज हर लोगों मौजूद है वेरीफिकेशन है गाड़िया की वेरीफिकेशन है इस तू इलावा किसी का कोई लाइसेंस है ट्रैफिक का लर्नर लाइसेंस है दूसरा लाइसेंस है उस तू इलावा उन्होंने जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स ने सारी एक छत थले खिदमत मरकज है बड़ा आला किस्म का
मौजूद है, मेरा ऑफिस इस थाने के मौजूद है और इंशाल्लाह अजीज बिल्कुल आईजी साहब और जनाब वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक लोगों को इंसाफ फ्री और फौरी फराहम किया जा रहा है। और एस एच ओ हसन आफ्ताब कियानी साहब ने और ये बहुत फाइटर एस एच ओ ने और इन्होंने हुण तक दी कार्रवाई इन्होंने बहुत सारे इनाम भी मिले ने। पहले एस एच ओ पुराने रवायती देख रहे हो गए वड़िया वड़िया मुछों और ये देखो कैसे यंग मैन। भाई थोड़ी क्वालिफिकेशन की है? जैद भाई मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी मैथमेटिक्स। अच्छा, और मैं लॉ ग्रेजुएट। माशाल्लाह, अगले ना थानेदार रहे ने ना अगला कल्चर रहे है, बल्कि बहुत हद तक चेंज आया। जेड़ा तो कोई आदमी ठीक है ना ओनू ओदे वास्ते थाना खूबसूरत जगह है, ते मुजरमा वास्ते ते अली जगह खौफ दी अलामत ही होनी चाहिए। इन्हां दी बहुत सारिया ऐसी कारवाइया ने जिन्हां ते इन्हां नू आला अफसरां ने इनाम भी दिते ने और एदां दे होर भी दिहाड़ी पुलिस दे हीरोज ने। एक पुलिस दा जेड़ा पुराना कल्चर है जिदे तो लोग खौफ ज्यादा हुंदे सी हुण ओह ऐसा निजाम नहीं रहा, बल्कि एदां तहफ़ुज़ नालों तहफ़ुज़ दा एहसास होना कि बंदे नू महसूस होवे कि हां मैं महफूज हां, हर मुमकिन कोशिश होंगी है। और कदी की नाम बहुत सारे थोड़े डाकू नाल भी मुकाबले और मनशियात भी तुहानू कोई प्रॉब्लम दिया अफसरां वालों शाबाश आरपीओ साहब भी दे रहा सी, की कहंदे तुसी इहदे बारे? जैद भाई जिहड़ी एप्रिसिएशन है ओह तां जरूरी होंगी है। हां जी, और सानू चाहिए सिर्फ अफसरां की शाबाश है। अलहमदुल्ला साडे मामला जिहड़े ने साडियां कारवाइयां तुहाडे सामने ने, अल्लाह दा लख लख शुक्र है, अल्लाह ने हर मामले सानू कामयाबी दित्ती है। साडे जिहड़े आईजी साहब ने माशाल्लाह खुद बड़े एक्टिव ने और वो बड़ी बात पुरस रखते ने, सारे मामलात दी चेक एंड बैलेंस रखते ने। उन्होंने विजन के मुताबिक ही साडे डीपीओ साहब वन ऑफ द बेस्ट डीपीओ ऑफ पंजाब और वन ऑफ द बेस्ट डीपीओ ऑन पंजाब और यही पूरे पंजाब के 737 थाना तो सब नाल अनोखा थाना और सब नाल अनोखा और खूबसूरत और ताडे सामने जी। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू भाई, अस्सलाम वालेकुम। इस पास इंक्वायरी रूम में किसी पार्टिया ने किसी का सुनना है फ्री कैन इतने आके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या थानेदार फ्री कैन सुन गए इतने सवाल जवाब इंक्वायरी वास्ते और इन्वेस्टिगेशन रूम में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर ने वो वास्ते जगह है अगे शीशा लग गया और जो पिछला ब्लॉक है ये आम पब्लिक वास्ते नहीं, आम पब्लिक वास्ते सारा कुछ है, लेकिन पिछले ब्लॉक भी रहते सीढ़िया चढ़ रही उपर डीएसपी का दफ्तर है, दो डीएसपी बहन ने एक डीएसपी ट्रैफिक और एक डीएसपी थाने का यानी डीएसपी सदर इतने थानेदार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रूम है। बाकी आओ तुम बिगड़ भी दिखाई इतों का लॉकअप जिथे उन्होंने मुलजमान नु रखा जाता है। लॉकअप है, लॉकअप हमारा और अभी सफाई सुथराई भी देख लो कि सारे बिस्तरे बुस्तरे भी आ गए भाई जान। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तो बाकी मुंगो नमाज नमूज पढ़ो, अल्लाह पाक अगर माफ कर देगा क्या लॉकअप हम नहीं रख सकेंगे। पूरे थाने जिन्हें कैमरे वगैरा लगे ने इतने मॉनिटर कर दे और इतना जिन्ना दुख का काम सारा अंदराज हो गया थाने तो बार वकास गुमन और अरशद भट्टी साहब थाना सदर दे आठ आयो तो हीरो ना साडे और मुहर्रर भाई गजनफर की हाल चाल है, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, खबर आप बताए ना थाना कैसा है? थाना तो लाग ही नहीं रहा थाने, आपने पहले भी थाना देखा हुआ है इसके बारे में आप क्या? पुराने जेडे रवायती थानेदार होंगे क्योंकि थाना तो 85 साल पुराना और इना चेंज आया है और देखो और माशाल्लाह क्वालिफिकेशन की थोड़ी एमएससी मैथमेटिक्स सारे पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता लोग ये भट्टी साहब हमारे बहुत अच्छे क्यों नहीं क्यों नहीं मेहनती हैं भाई, पहले भी मिलते रहे हैं जी जी। आप स्टाफ के साथ क्या नई चीज देख रहे हैं? बहुत सारा चेंज है क्या, क्यों नहीं? और अगर आप छत दिखाओ और दोबारा जो पुराने थाने की बिल्डिंग वाला बनी हुई है ना पुराना थाना ओ परली साइड ते है बहुत ओल्ड बिल्डिंग है, उत्थे जांदे आ तां खौफ आना तो फिर किसी टाइम दिखावांगे कि पुराने थाना किदां दा किदां दी इहदी बिल्डिंग और सूरत हाल है। ते मेरे नाल ने कैमरामैन आदि जाट और अरशद नोनारी, बाकी वीडियो इंशाल्लाह फिर बनावांगे। थैंक यू।